तो दोस्तों हिस्ट्री की नोट्स ओपन करना बहुत आसान है, सिंपल सर्च में जाइए, वहां पर लिखिए STICKY और नोट्स, ठीक है, तो तुरंत आपके सामने आ जाएगा स्टिकी नोट्स। और ये देख रहे हैं यहाँ पर सिंबल भी बन के आ गया, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक छोटी सी स्लिप आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूँ कि इसकी साइज़ ये फिक्स नहीं है, आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी, मतलब चौड़ाई भी आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जितना आपके डेस्कटॉप पर स्पेस है, ठीक है। दूसरा, इसको मतलब सिर्फ अगर एक स्टिकी नोट्स आपको चाहिए तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि कई सारे स्टिकी नोट्स हो तो सिंपल आप कंट्रोल एन करते जाइए और स्टिकी नोट्स आपके बनते जाएंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे स्टिकी नोट्स बन जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें क्या मैटर सेव किया, तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसको बड़े आसानी से, सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करिए और आपके पास कई सारे कलर के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उसको हम पिंक कलर में रखें तो इसको आप पिंक कलर कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पर्पल में कुछ और चीज़ें लिखना चाहें तो आप पर्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके कोई बिल है आप यहाँ सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका कलर येलो हो तो इसको येलो में रहने दीजिए, ठीक है। और उसी तरीके से पीछे है एक और कलर ले लेते हैं सिंपल, अगर आप चाहते हैं इसको वाइट में तो इसको वाइट में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अलग अलग कलर आप बना सकते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा, इसमें काम करना भी बहुत आसान है, सिंपल आप इसमें कुछ भी पेस्ट कर दीजिए, हिंदी भी पेस्ट कर सकते हैं और इंग्लिश भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको एक पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये मैटर कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ले जाकर इसको आप पेस्ट कर दीजिए, एकदम वर्ड की तरह ही काम करेगा। ये देखिए मैटर यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है।